वेलकम बैक टू एज ऑटो। आज हम जानना चाहते हैं एटीवी के बारे में, तो बताएं भाई। बेसिकली ये एटीवीज होती है ऑल टेरेन व्हीकल्स में। ये बहुत ही यूनिक कैटेगरी है इंडिया में, बहुत ही अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। हालांकि ये सऊदी दुबई में बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, बट इंडिया में अभी इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसके ऊपर मेन चीज़ ये रहती है कि ये बच्चों के लिए भी सूटेबल है, आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक लुक आता है इसके अंदर। आपको फ्लैशर लाइट्स भी मिल जाएंगे, ये देखिए फ्लैश करता है, काफ़ी अच्छा इससे लुक आ जाता है। और ये बैकरेस्ट भी आपको मिल जाता है। अच्छा, ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये आपकी फार्म हाउस हो गया, ठीक है, और आपके घर के आसपास के एरियाज हो गए, उसमें आप चला सकते हैं। हिल स्टेशंस वगैरह हो गए, आप चला सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका पावर चेकअप करके। फ्रंट गियर के साथ आपको रिवर्स गियर भी मिल जाता है। अच्छा, किस एज के लोग इसको यूज कर सकते हैं? कोई भी चला सकता है इसको। ये मतलब इसका डिजाइन ऐसा है, मतलब हैंडल भी एडजस्टेबल है, आप छोटे और छोटे अपने पास आगे कर सकते हैं, और हाथ बड़े बड़ा है तो उसको आप आगे भी कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल फीचर इसके अंदर दिया है। ये 7 साल से लेकर के मतलब 50-60 साल तक के कोई भी नहीं चला सकता। आइए सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। अच्छा, इसमें और कौन कौन से मॉडल आते हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ छोटी बाइक हैं, कुछ बड़ी हैं। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे एटीवीज में। इलेक्ट्रिक सेगमेंट छोटा बच्चों का और पेट्रोल छोटे बच्चों का। 49cc सेगमेंट आपको मिल जाएगा, 80cc सेगमेंट आपको मिल जाएगा। ये सब पेट्रोल के वेरिएंट्स हैं बच्चों के लिए। फिर उसके ऊपर 110cc का मिलेगा आपको, 125cc इलेक्ट्रिक, 135cc का मिल जाएगा। वाइपर मॉडल्स मिल जाएंगे आपको 135cc में, इलेक्ट्रिक मिल जाएगा, पेट्रोल 150cc, 200cc, 300cc का ATV, 250cc का भी मिल जाएगा, 500cc का भी मिल जाएगा। ATVs का प्राइस जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें, edgeauto.in पे क्लिक करके इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जहाँ तक फाइनेंस कैसे होता है वो भी हो जाएगा, अगर HDFC का कार्ड है तो फाइनेंस भी हो जाएगा। इसके अंदर आपको वो सारे मॉडल्स वगैरह मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट विज़िट करें एक बार, अगर आपको इंक्वायरी करनी है कि कौन से कलर्स हैं, कौन से मॉडल्स हैं, कितने CC की, ये सब कुछ मिल जाएगा वेबसाइट के अंदर। ये देखिए 300cc के मॉडल्स हैं, और बच्चों की जीप हैं, ATVs के 200cc का मॉडल है। सारे मॉडल्स आपको इसी के अंदर ही दिखेंगे। ये इलेक्ट्रिक वर्जन है, और ये आपका पेट्रोल वर्जन है ATV, ये भी बच्चों का ATV है, 80cc ATV है, 110cc ATV है। सारे मॉडल्स मिल जाएंगे आपको इसी के अंदर। वेबसाइट ज़रूर लॉगिन करें। ये 48 वोल्ट के अंदर 1000 वाट का मोटर होता है इसके अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा पावर लेती है। 300 किलो तक के वेट कैपेसिटी में आराम से ले लेती है। और वो वाली आप देख रहे हो भाई, ये 135cc की है, और इसके अंदर पेट्रोल इंजन यूज़ किया गया, 4-स्ट्रोक का पेट्रोल इंजन, जो कि काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। 2 लोग इजीली इस पर बैठ सकते हैं। भाई ने इस पर राउंड लिया था, अभी जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। आपने इसको चलाया था, इसका क्या एक्सपीरियंस था? भाई ये मैंने जो है ड्राइव की थी, और इसका बहुत ही मतलब पावर जो है बहुत ही हाई पावर है।
इसके बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि आप इसकी स्पीड लिमिट में कर सकते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंगली आप लिमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें एक्सीलेटर में सिस्टम दिया है स्पीड आप लिमिट करने का, आप चाहेंगे तो ये कम स्पीड हो जाएगी, चाहेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। इधर आइए दिखाते हैं आपको, जो है 250 cc कैटेगरी की ए टी, जो कि मतलब एकदम बड़े हिल स्टेशन में और डेजर्ट एरिया में यूज़ होती है, गुलमर्ग वगैरह में, कश्मीर वगैरह में, बहुत सारे इंटरटेनमेंट के स्पॉट्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर भी जाए जा रहे हैं। काफ़ी बल्की है अभी इसका साइज देखिए कितना साइज देखिए बल्की गाड़ी हैवी गाड़ी है 250 cc का इसके अंदर। अगर आप इसे बीवी मारना चाहेंगे तो बहुत ही आराम से देंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और इन दोनों के उसके अकॉर्डिंगली वो दोनों साइज में 1-5 cc। और सर ये जानना चाहेंगे इसका डिलीवरी मेथड क्या है, कैसे मतलब ये डिलीवरी होती है? डिलीवरी का तो सिस्टम बहुत ही इजी है, ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जाती है डिलीवरी विद इन 8-9 days के अंदर कोशिश करते हैं डिलीवरी करने की। कभी कभी बीच में छुट्टी जैसे हॉलीडे हो गया आपका, संडे वगैरह हो गया, तो ट्रांसपोर्ट बंद रहता है, तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, बट कोशिश ये रहती है कि 8 दिन के अंदर डिलीवरी करा दें। डिलीवरी कहाँ, इंडिया में कहीं भी हो जाएगी। डिलीवरी चेक करने के लिए गूगल पे VRL ब्रांच लिस्ट पे क्लिक करें, उस पर आप अपना पिन कोड डालिए, आपको नियर बाय जितने भी ब्रांचेस होंगे ट्रांसपोर्ट के वो शो हो जाएंगे, वहीं पे आपकी गाड़ी डिलीवर होगी। यहाँ पिन कोड डालना है, ये देखिए आपको सामने लिख कर आ गया, ये एड्रेस है, यहाँ पे गाड़ी डिलीवर होगी, ये बेंगलोर का पिन कोड डाला है। ये है कि जो नेपाल के बॉर्डर्स इंडिया वाले बॉर्डर्स हैं, जैसे रक्सौल गोरखपुर हो गया आपका, बहराइच रेडिया हो गया, तो इन सब एरिया में हम लोग डिलीवर कर लेंगे, वो वहाँ आकर के ले सकते हैं। और सर एक बात ये बताइए, इसकी जैसे सर्विस इशू पार्ट्स क्या अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं? सब मिल जाता है, A to Z सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, कोई भी नियर बाई मैकेनिक से आप इसकी सर्विस करा सकते हैं। पर हाँ, कोई भी नियर बाई मैकेनिक का मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी करा लें, पहले आप पता करें आसपास कि यहाँ पे कौन अच्छा मैकेनिक, कौन अच्छा टेक्नीशियन है, जो अच्छा एक्सपीरियंस वाला बंदा जो काम कर रहे हैं इसका। और 4:4 इंजन है, ऐसे स्प्लेंडर और उसमें आता है पैशन वगैरह में, वैसे 4:4 तो 135 cc, 125 cc, 150, 200 cc, अप टू 500 cc तक के इसमें ATVs अवेलेबल है अपने पास। अच्छा सर, क्या ये ऑटो ट्रस्टेड है, इसे ऑर्डर किया जा सकता है? ट्रस्टेड है, मतलब ट्रस्ट की बात करी जाए तो हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं। अब एज ऑटो अगर आप डालेंगे गूगल वगैरह पे तो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे, हमारा ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड है, GST भी रजिस्टर्ड है, सब कुछ रजिस्टर्ड है हमारा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका ATV के बारे में जानकारी देने के लिए। बहुत लोग लोकेशन जानना चाहते हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश लखनऊ बालागंज में शोरूम है, और किसी को भी कॉल वगैरह करना हो तो 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी नंबर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन से आप नंबर निकाल के कॉल कर सकते हैं। और प्लीज़ कोई बच्चा फ़ोन मत करे, किसी को भी अगर आप अंडर एज हैं, आपको कोई भी बाइक या कोई भी ATV लेनी है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से कॉल करवाएं, बच्चा कोई भी कॉल ना करे, हमारा एल्गोरिथम सेट है, बच्चों से बात होगी तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे।